जिले के प्रसिद्ध अरोग्या धाम धार्मिक स्थल भादवा माता में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और भादवा माता संस्थान समिति के सदस्यों की उपस्थिति में एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक में नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल, विधायक दिलीप सिंह परिहार एवं जिला पंचायत सीईओ आशीष सागवान, एसडीएमएसएल शाक्य और जनपद सीईओ मारिशा शिंदे शामिल हुए। बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर मंदिर व्यवस्था के लिए कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम आदि ने संबोधित किया और अपने अपने विचार व्यक्त किए कि किस तरह से कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। बैठक में विधायक परिहार द्वारा विभिन्न विषयों पर अपना मत रखा गया एवं मंदिर परिसर प्रांगण में साफ सफाई व्यवस्था, पानी की कमी को दूर करने, भोजनशाला में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता आदि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई एवं जिम्मेदारों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक रही, एक तो जो आगामी आने वाला मेला है, क्योंकि ऐसा गृह विभाग के भी निर्देश हैं और साथ में ऐसा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में भी निर्णय लिया गया है कि इस साल मेला नहीं होगा, मगर श्रद्धालुओं को दर्शन देने लेने दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। तो जो व्यवस्था पिछले साल की गई थी वो व्यवस्था इस साल भी वैसे ही रहेगा। तो एक तो ये वाला था, दूसरा कई सारे और मुद्दों पर भी चर्चा हुई जिसमें स्थानीय साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, इनके ऊपर भी कार्रवाई होने के लिए हुई। माँ भादवा माता यहाँ विराजमान है और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर सम्मान्य जिलाधीश महोदय मयंक जी अग्रवाल जी और अनेक विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारियों को बुलाकर और आज की यहाँ व्यवस्थापन संबंधी बैठक रखी गई थी। इस बैठक में यहाँ की साफ सफाई को लेकर, नदी गहरीकरण को लेकर और जो धर्मशालाएँ हैं उनको अन्य स्थान पर स्थापित करने के लिए और मूल रूप से स्वच्छता के संबंध में, ऑफिस के निर्माण के संबंध में, विद्युत की साज सज्जा, आने वाले मेले में किस प्रकार, यदि मेला नहीं है तो कैसे व्यवस्था की जाएगी, इस संबंध को लेकर बैठक थी। जो निर्माणाधीन काम है उनका लोकार्पण शीघ्र किया जाएगा और जो लोग आगे आगामी समय में जो काम होने वाले हैं उनका भूमि पूजन हम सब करेंगे। अभी जिलाधीश महोदय के माध्यम से और हम जनप्रतिनिधियों ने और माननीय सांसद जी, हम उषा जी ठाकुर पर्यटन मंत्री से मिले थे, माँ भादवा माता के स्थान को उसमें शामिल करने के लिए हमने चर्चा की है और उनसे चर्चा करके और हम यहाँ का विकास करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इसमें यदि कोई पैसे की कमी नहीं आने देंगे और पैसे की आवश्यकता होगी तो हम शासन से पूरा करेंगे। तो आगामी समय में एक नया प्रोजेक्ट लेकर मास्टर प्लान के आधार पर यहाँ का विकास करेंगे। सब लोगों ने बैठ के आज जो निर्णय लिए हैं वो उसको जल्दी से जल्दी फॉलो करके और काम को पूरा कराने का काम करेंगे। माँ भादवा माता सबको आशीर्वाद दे, वो सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी कामना करता हूँ। सर एक ये था कि मास्टर प्लान काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे लटका हुआ है, तो उसको लेकर के अभी यहाँ पर क्या? अभी जिला जी हमने बैठक में आज निर्णय लिया है कि यदि उस मास्टर प्लान के आधार पर ही हम चलेंगे, यहाँ पीने के पानी की कमी है तो संबल बनाने का काम करेंगे और आने वाले समय में मास्टर प्लान को द्वितीय चरण है उसको हम लागू करेंगे। जो धर्मशालाएँ हैं उनको अन्य जगह स्थापित करके और वहाँ मंदिर को अच्छा स्वच्छ बनाने का काम करेंगे। धीरे धीरे चरणबद्ध काम होंगे, वैसे कि यहाँ कोई कमी नहीं है, माँ भादवा माता यहाँ विराजमान है, इच्छा शक्ति है और हम सब लोगों की इच्छा शक्ति है कि आगामी समय में हम अच्छा काम करेंगे।